रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र में पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में दुकान में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। आग आज सुबह लगी। चारों मृतक एक ही परिवार के थे। दुकान इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर की थी। बिहार के रोहतास में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ स्कॉर्पियो और कंटेनर की टक्कर में स्कॉर्पियो सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। 5 को अस्पताल भेजा गया है। स्कॉर्पियो में 12 लोग सवार थे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में एनडीए गठबंधन की होने वाली बैठक के लिए ग्रैंड हयात में 150 कमरे बुक कराए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ रक्षाबंधन मनाया। महाराष्ट्र के मंत्री विजय कुमार गावित ने बीते दिनों बयान दिया था कि रोजाना मछली खाने से अभिनेत्री ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत आंखें हो जाती हैं। उनके इस टिप्पणी पर विवाद छिड़ने के कुछ दिनों बाद उन्होंने खेद प्रकट किया है। पाकिस्तान की मशहूर सिंगर एमा बेग एशिया कप 2023 के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी। वे अब तक कई हिट। एशिया कप का आगाज पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेले जाने वाले मैच से होगा। नेपाल की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। देश में गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती का ऐलान हुआ था, जिसे आज यानी 30 अगस्त से लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि देश में 30 महीने के बाद घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। आयुष्मान खुराना ने ड्रीम गर्ल को मिल रहे प्यार के लिए सभी को धन्यवाद दिया है। उनके लिए दर्शकों का मूवी को इतना प्यार देना ही उनका इनाम है। बसपा को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वह इंडिया में शामिल हो सकती है, लेकिन पूर्व यूपी सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर लगातार चलता रहेगा। एनबीसी के तमाम दर्शकों को फिर से एक बार रक्षाबंधन की खूब खूब शुभकामनाएं। देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।